गाली गलौज का कल्चर है, मैं नहीं मानता का कल्चर है पाकिस्तानी सियासत में। अभी देखिए 70 साल में हमने ऐसा कल्चर नहीं देखा। टॉक शोज आप सुन लें, वहाँ पर जो डाकू की अपना रथ देखने को मिलती है, पार्लियामेंट में देख लें गालियाँ सुनने को मिलती हैं। और मैं कौन को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बतौर सियासतदान ऐसा कल्चर पाकिस्तान की सियासत की तारीख में नहीं देखा। और ये इसी का शाख खजाना है कि 3.25 साल बाद ऑपोजिशन को दीवार से लगाकर भी आज गुरबत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मईशत जो है उसका भट्टा बैठ चुका है, कारखाने बंद हो चुके हैं, मजदूर बेरोजगार है, मईशत जो है उसकी ग्रोथ 0.0 है। तो ऐसा इन 3.25 सालों में क्या हो गया कि आज गरीब आदमी को ना दवाइयां मिलती हैं, जो डायलिसिस मुफ्त हुआ करता था अस्पतालों में, आज अपना जो है वो गरीब आदमी डायलिसिस के लिए धक्के खाता है। और आज ही आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की तारीख में कपास की जो प्रोडक्शन है वो कम तरीन सतह पर है, गन्ने की प्रोडक्शन कम तरीन सतह पर है, गंदम की प्रोडक्शन कम तरीन सतह पर है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौम आज ये देख रही है कि 3.25 साल इन्होंने खेल तमाशे में गुजार दिए, ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा हुई, और आज भी जो वाक्य इस्लामाबाद में पेश आया है ये उसी की कड़ी का तसलसल है। लेकिन इन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि नौशहरा में पाकिस्तान की आवाम ने इस रवैये को, इंतकामी रवैये को, अदब बर्दाश्त के रवैये को वोट नहीं डाले। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को वोट डाले। दस्ता में मशीन इफ्तार इलेक्शन जीत रही थी, किस तरह जो है वो पुलिस की मौजूदगी में मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियों की बौछार की, दिन की चकाचौंध रोशनी में कोई रोकने वाला नहीं था, किस तरह जो है वो पोलिंग एजेंट्स को अगवा किया गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कौन ऐसे लोग बैठे हैं जो कानून तौर पर खुश होते हैं। तो मैं आपको एक सियासी कारकुन के नाते ये बताना चाहता हूँ कि ये रवैया जो है यही इंशाल्लाह ताला इनके पांव की बेड़ी बनेगा। और जब पाकिस्तानी कौम 3.25 साल बाद 50 लाख घरों का वादा टूटता हुआ देखती है, 1 करोड़ नौकरियों का वादा जो है वो झूठा होता हुआ देखती है, जब अपने बच्चों को गरीब आदमी भूख से बिलखता देखता है, जब महंगाई जो है एक गरीब आदमी एक मजदूर का बजट पूरा नहीं होता, तो ये जो इनका रवैया है ऑपोजिशन के खिलाफ, इसको कौम हकारत की नज़र से देखती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बरमला कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अगर होश के नाखों ना ले तो खुदा न खास्ता सिस्टम को भी और जमहूरियत को भी नाकाबिले तराफी नुकसान पहुँचेगा। और लोग देख रहे हैं, अब इनको होश के नाखों लेने, अगर होश के नाखों अब भी ना लिए तो पाकिस्तानी कौम इनका सामने। मुलाकात करके तबीयत कैसी है शहबाज साहब की, और किन सियासी मूड में भी आपकी गुफ्तगू हुई होगी, तो अदम एतमाद या लॉन्ग मार्च इस पर भी कोई बातचीत हुई है शहबाज साहब से? उनको कमर की तकलीफ थी और उसके बावजूद डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, लेकिन उनको अपना इस्लामाबाद से रातों रात जो है मूव कराया गया कि उनकी कमर की तकलीफ जो है बढ़ जाए। ये है इंतकाम, उस दिन वो अदालत में पेश नहीं हो सके कि कमर की तकलीफ थी उनको। इस इंतकाम से क्या किया आपने, सबको ये बारी बारी करके गिरफ्तार किया, लेकिन कोई पाकिस्तानी कौम का भला हुआ? कोई एक मंसूबा नवाज शरीफ हुकूमत के दौर में जो शुरू हुए थे मंसूबे, चाहे वो बिजली के हैं, चाहे वो मोटरवेज हैं, एक मंसूबा मुझे बता दें कि इस पीटीआई गवर्नमेंट ने 3.25 साल में किया हो। तो ये खेल तमाशा है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये मुतहरक है। आज खान ने इस बात का वादा किया है।
आप क्या देख रहे हैं? सियासी पंडित भी ये कह रहे हैं कि इस इजलास की जब अपोजिशन मौजूद नहीं है कोई आईनी हैसियत नहीं है, तो आप आगे मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं कि जिस तरह आज में जमात पर वोट दिया है पंजाब में भी कोई तहरीक आती हुई नजर आ रही है और इमरान खान की मुस्तकबिल के हवाले से? मैं दो मरतबा कौमी असम्बली का मेम्बर मुंतखब हुआ हूँ। लोग जब अपने हल्कों में जाते हैं ना तो लोग बड़े चुपके हुए सवाल करते हैं। लोग कहते हैं हमारा पानी नहीं आ रहा, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे बच्चों के पास अपना जो है वो इलाज कराने के लिए पैसे नहीं। आज जो पीटीएम में जो लोग बैठे हैं जो सियासी पुख्तगी रखते हैं वो भी सोच रहे हैं कि हम किस मुंह से दोबारा वोट मांगने के लिए जाएंगे अपने हल्कों में। तो ये अल्लाह ताला का कानून है, इसमें किसी और का कमाल नहीं है। आज जो यूसुफ राणा गिलानी साहब की जीत है वो जमहूरियत की जीत है। आज तमाम तर दुनिया में देख रहे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर जो है ये सीक्रेट वोटिंग का निज़ाम राइज है। तो ये जो यूसुफ राणा गिलानी साहब को वोट इजाफी पड़े हैं उसका ताल्लुक अवाम के गम गुस्से से है, अवाम के खैर वलक से है। जो लोग आज जिस महंगाई का शिकार है और उन मेंबर्स ने भी आवाम के जज्बात की तरफ पंजाब के पहले तो आप लोग कहते थे हमजा शहबाज ने बढ़ा दिए, आप बता दें आपको आप जो है अभी जेल से छूटे हैं, आप ये बताएं कि कीमत कौन बढ़ा रहे हैं मुर्गी? ये अच्छा सवाल है, मुझे कई लोग कह रहे थे चिकन का रेट जो है हमजा शहबाज निकालता है। मुझे अब आवाम बताया पाकिस्तानी हुआ कि दो साल तो हमजा शहबाज जेल में था कि जेल में बैठती हुई चिकन का रेट कहाँ निकालता था? इसलिए वो सारे जो मलबा डालना है पिछली हुकूमतों पर उसको भी जमीनी इलेक्शन के रिजल्ट में आवाम ने मुस्तरद कर दिया। इनको कुछ करना होगा या फिर घर जाना होगा। थैंक यू। थैंक यू।